आप टेस्ट सीरीज हार गए हो, तीसरा मैच कराची में है। मुझे इसमें तो आंटी याद आई है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है, जिनका बड़ा मशहूर एक स्टेटमेंट है, ये सारे मिलकर हमको बेवकूफ बना रहे हैं। जिसको अगर मैं सामने रखती हूं तो मुझे ये लगता है कि बेन स्टोक्स लिटरली अपनी टीम को तो मैनूवर करके यूटिलाइज करके अपनी रिसोर्सेस को वो खेल ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ वो हमें खिलवा रहे हैं और वो हमें ऑप्शन देते हैं कि आए और ठीक है जीत के दिखाएं वरना मैं जीत जाऊंगा। मेरे ख्याल में ये इंग्लैंड की टीम देखेंगे हमारी कंडीशन, हमारी पिचेस, हमारा क्राउड सब कुछ, और उसके बावजूद वो हमसे जीत के जा रहे हैं इन कंडीशन इन पिचेस के ऊपर जिसमें हमारे प्लेयर पले बड़े हैं। मेरे ख्याल से भगाया नहीं है, जलील भी किया हमें ठीक ठाक उन्होंने और अच्छी क्रिकेट खेले हैं। पाकिस्तान 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहा है, जिनके हाथों में क्रिकेट है वो मेरे ख्याल से केपेबल नहीं है कि इस सीटों पे रहे, तो चेयरमैन साहब को उनके मतलब सोचना चाहिए। मैं रह गया हूं भींगा पाकिस्तानी, मजाक सुनने लोग छेड़ रहे मुझे कि युगांडा कब आ रहा है, पाकिस्तान बाबा डबल सेंचुरी करेगा, ये बातें मैं सुनूं लोगों की यार। आप टेस्ट क्रिकेट को इतना इजी क्यों ले रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि हमारी कंडीशन में मैच है तो जैसा हम चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा? वसीम अकरम ने बोला कि भाई पाकिस्तान WTC की फाइनल में तो नहीं जा रहा, लेकिन हम बैठ के जरूर देखेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, वही होगा और क्या, क्योंकि हो गई वो WTC में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा। बेवकूफ बनेगी कि हम सेमीफाइनल में तो पहुंच गए, हम फाइनल में तो पहुंच गए, हमने ये तो कर लिया, और भाई जीत चाहिए पाकिस्तान को सेमीफाइनल में, फाइनल में पहुंचे दरवाजे से लौट के आना पाकिस्तान का गोल नहीं है, यह मकसद नहीं है पाकिस्तान का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कल जिस तरह से पाकिस्तान इंग्लैंड से दूसरा टेस्ट हारने के बाद ये सीरीज को भी अपने हाथ से गवा बैठा है, इसके बाद पाकिस्तान के जो लीजेंड क्रिकेटर हैं वो सामने आकर पाकिस्तान टीम को जमकर धो रहे हैं, जैसे कि शाहिद अफरीदी हो गए, फिर वासिम अकरम हो गए, फिर शोएब अख्तर या कैमरान अकमल या फिर इंजमाम उल्लक, ये सारे आकर पाकिस्तानी टीम की जो डिफेंस और टुकटुकी अप्रोच इसको धो रहे हैं। और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान हारा है अपने ही घर पे, और जब इंडिया को बांग्लादेश ने हरा दिया था तब ये बहुत बड़े बड़े ये ट्विटर में आकर और इनके जो क्रिकेटर हैं ये आकर बोल रहे थे कि लव फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश वी लव फ्रॉम पाकिस्तान। तो अभी क्या हो रहा है, चलो बांग्लादेश तो अपने घर पे इंडिया को हरा दिया, लेकिन आपने क्या कर दिया, आप तो अपने खुद घर पे हार गए और वो भी डिफेंसिव होकर, मतलब जीत का कोई मतलब अप्रोच ही नहीं था आपके पास। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और मजे लेते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड में। बेन स्टोक्स ने हमें कह कह के हराया है, पहले पिंडी में, उसके बाद अब मुल्तान में, अब हम इंतजार करेंगे कि कराची में जो है वो हमारे साथ फिर इस तरह टीम इंग्लैंड जो है वो करे। मुझे नहीं समझ आता कि हम कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं, कहां आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी क्रिकेट के साथ, कुछ समझ नहीं आता। जिसको अगर मैं सामने रखती हूं तो मुझे ये लगता है कि बेन स्टोक्स लिटरली अपनी टीम को तो मैनूवर करके यूटिलाइज करके अपनी रिसोर्सेस को वो खेल ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ वो हमें खिलवा रहे हैं और वो हमें ऑप्शन देते हैं कि आए और ठीक है जीत के दिखाएं वरना मैं जीत जाऊंगा। मेरे ख्याल में ये इंग्लैंड की टीम देखेंगे हमारी कंडीशन, हमारी पिचेस, हमारा क्राउड सब कुछ, और उसके बावजूद वो हमसे जीत के जा रहे हैं इन कंडीशन इन पिचेस के ऊपर जिसमें हमारे प्लेयर पले बड़े हैं। तो वो ये वो फर्क है जिसकी वजह से वो इंग्लैंड टॉप टीम टीमों में से शामिल होती है। आप टेस्ट सीरीज हार गए हो, तीसरा मैच कराची में, फिर अपनी मर्जी से वो खेल रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। अभी हाल 6 महीने हुए हैं कप्तान को बने हुए, कोच को आए हुए प्लेयर्स वो आए हैं टीम के साथ जिनके कमबैक थे 5-5, 6-6 साल के बाद, और पाकिस्तान को आके फेंटा दे के चले गए। मेरे ख्याल से भगाया नहीं है और जलील भी किया हमें ठीक ठाक उन्होंने, और अच्छी क्रिकेट खेले हैं। और पाकिस्तान आपको पता है कि पिछले 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहा है, और हम इस पर जितना मर्जी हम लोग बातें कर लें कि अभी टाइम लगेगा बेहतर होने में, ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मज़ीद ख़राब हो रहे हैं हम लोग। उस जिनके हाथों में क्रिकेट है, जो बंदे हैं वो मेरे ख्याल से अब इस केपेबल नहीं है कि इस सीटों पर रहें, तो चेयरमैन साहब को उनके मतलब सोचना चाहिए। तो 17 साल बाद तो जीते ही जीते हैं, लेकिन उस इन बिटवीन वो 2005 में मार खा के गए हैं, दुबई में 2 बार मार खाई है उन्होंने, इससे बड़ी टीमें हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी अपनी गलती है, गलत पॉलिसी, गलत सिलेक्शन, गलत 11 बनाने, पिच को देख के 11 नहीं बनाने, बस वो टीम शीट होती है ना 11 की फिल करनी, वो मेरे ख्याल से फिल की है और मैच खेलने चले गए, ऐसे रिजल्ट नहीं आते। आप टेस्ट क्रिकेट को इतना इजी क्यों ले रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि हमारी कंडीशन में मैच है तो जैसा हम चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा। भेज रहे हैं नवाज को, भेज रहे हैं, उसने 40-45 रन किए हैं, तो उसको जफियाँ डाल रहे हैं कि वाह भी वाह बहुत आला खेला, उसको पूछना चाहिए, डांट देनी चाहिए कि तू 40-45 में कैसे आउट हुआ, तू जितवा के क्यों नहीं आया। हमारी मेंटेलिटी यही है कि बस लड़के ने कर दिया 40-45, इसी में मैनेजमेंट भी खुश है, जैसे जफियां डाली थी बॉलिंग होगी, उस टाइम की बॉलिंग इंग्लैंड की होती तो हमारी बैटिंग लाइनअप होती तो मेरे ख्याल से 10.5 मिनट में टीम आउट हो जानी थी हमारी बैटिंग। मुझे इसमें तो आंटी याद आई है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है, जिनका बड़ा मशहूर एक स्टेटमेंट है, ये सारे मिलकर हमको बेवकूफ बना रहे हैं। आपको लगता है सुबह से शाम तक बैठ के टीवी पे तनकीद करते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े खत लिखते हैं पाकिस्तान की हार पे, और चीफ सिलेक्टर पे जब बुरा वक्त आ जाता है तो उनको हथेलियां भी लगाते हैं, उनको अपने यूट्यूब के शो में भी बुलाते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, ये तो सारे मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं।
तो बेवकूफ बना रहे हैं सर, ये क्या कौम ये बेवकूफ बनने के लिए कि कभी किसी के स्ट्राइक रेट की बुनियाद पे बेवकूफ बनेगी, कभी किसी गलत डिसीजन की बुनियाद पे बेवकूफ बनेगी, कभी जो है वो कि सिलेक्शन गलत होगी तो इस बात पे बेवकूफ बनेगी कि जी हम सेमीफाइनल में तो पहुंच गए, हम फाइनल में तो पहुंच गए, हमने ये तो कर लिया। और भाई जीत चाहिए पाकिस्तान को, सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंचे दरवाजे से लौट के आना पाकिस्तान का गोल नहीं है, यह मकसद नहीं है पाकिस्तान का। अरे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, देखिए ये होता है ऊपर लेवल पे चेक एंड बैलेंस होता है, ऊपर पे कोई चेक बैलेंस नहीं है ना, अभी भी नहीं है, जो मर्जी आज जो करे। अब देखिए ना इंतहा है भाई, तुम इनको सिखाई दो कप्तान साहब को कि भाई ये मत बोलना कि हमने जो है टर्निंग पिच बनाने को बोली थी, वो बोला टर्निंग पिच, एक स्पिनर से आप जा रहे हो और कह रहे हो टर्निंग पिच हम बना रहे हैं, ये कौन सा स्टेटमेंट है भाई, हमें तो समझ नहीं आ रही इस बात की। तो भाई जो कुछ चीजें अगर हैं तो बताओ भी ना कि क्या है, मानो कि आपकी वही प्रॉब्लम है जो हम बैठ के 20 में एक आदमी को सिखाने की, एक आदमी को सिखाने का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है क्योंकि वो वनडे में भी सीख रहा है, वो T20 में भी सीख रहा है, वो टेस्ट में भी सीख रहा है, मुसलसल पाकिस्तान की क्रिकेट को पीछे किया जा रहा है। और एक वो पेड़ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक फोर्स है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड के लिए बात करता है, क्रिकेट में बेहतरी की बात करता है, उसको फौरन गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है वो देने शुरू कर देते हैं। तो उन माओं को सलाम करता हूँ जो अपने बच्चों को, उन बापों को 5,000 रुपए में इन फराफारी क्रिकेटर्स की क्रिकेट देखने भेज रहे हैं, और आप कह रहे थे 12 से 20 समोसे वो बड़े बड़े 12 समोसे आए थे और लाया वो 12 समोसे लोगों में 12 समोसे उतरे, 5,000 में तो भाई मतलब लज़ानिया 7 और पिज़्ज़ा सब खा सकते हैं। एक समोसा जो लेकर आने वाले के हाथ से गिरा तो उसके बाद जमीन पे ऐसा चिपका के नजर ही ना आया। कर दिया तेरा जीजा ने, कैच मार रहे तुम्हारी उन्होंने T20 की टीम को, बॉलर को तुम्हारा कप्तान ने मार दिया भाई, नहीं तुम्हारे पास अगर ये हाई है किलकिल के पीछे छुपना है कि हमारे बॉलर अनफिट थे तो भाई हमने करवाए वो बॉलर अनफिट जो डोमेस्टिक थे, परफॉर्मर थे, उनको क्यों नहीं खिलाया, अब्बास को क्यों नहीं खिलाया, अच्छा हसन अली को पाला पोसा बड़ा किया तो हसन अली अब जब कोई नहीं था तो मोहम्मद अली से बेहतर क्रूशियल क्रंच सीरीज में अब्बास, और अरे हसन अली को मैं बताता हूँ क्यों नहीं खिलाया, हसन अली की बहुत फुकाई और पिटाई लग जाती, उसके लिए रखी हुई है कोई कमजोर अपोजिशन कि वहां जाके उसको लाएंगे, दुनिया में एक ही बॉलर के लिए स्टेटमेंट दिया आपके कप्तान ने, नहीं हसन अली आएंगे वापस आएंगे डोमेस्टिक में। स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी किसके पास है, जोरू के पास, जोरू के क्या घर में आया बोल के मारा उसने और कोहली भी बना के ले गया अपने यहाँ से कि हमने तीनों फॉर्मेट का एक ही प्लान रखा है कि टांगे तोड़ दो, डरा डरा के मार दो, आउट भी हो गया। मैं रह गया हूँ भींगा पाकिस्तानी है, मजाक सुनने लोग छेड़ने मुझे कि युगांडा कब आ रहा है पाकिस्तान, बाबा डबल सेंचुरी करेगा, ये बातें मैं सुनूं लोगों की यार। 1959 के बाद पाकिस्तान पहली बार अपने घर में टेस्ट मैच हार रहा है, कौन जवाब देगा इसका, मैं दूंगा जवाब देंगे, ये रमीश को जवाब देना है। बाबा जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे डेफिनेटली हम करेंगे, कॉन्फिडेंस है बॉयज पे, डेफिनेटली और यार डेफिनेटली आपने लास्ट में बोला था अजहर अली हमारा मैच विनर है, पता नहीं क्या वो बड़ा कॉन्फिडेंस उसके ऊपर, कहां है वो, खेला ही नहीं। वसीम अकरम ने बोला कि भाई पाकिस्तान WTC की फाइनल में तो नहीं जा रहा लेकिन हम बैठ के जरूर देखेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, वही होगा और क्योंकि होगा ही वो, WTC में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा। आफरीदी इतना गुस्सा दिखाई दे रहा है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को अप्रोच बदलनी पड़ेगी, हमें इस डिफेंसिव और टुटकियों से निकलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि कप्तानी किस तरह की हो रही है, समझ ही नहीं आ रही। कमरान इकबाल भी बात करते बताएं कि कैच के बारे में क्या सब कह रहे थे जी, जो कैच पकड़ा गया वो क्लियरली नॉट आउट था, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जो अलीम डार ने सिग्नल दे दिया था सॉफ्ट सिग्नल आउट, तो आउट एंड में आपको पता है फिर वो यार कुछ भी हो, फिर वो अंपायर की फेवर में यार लक जो है ना, अब हम बोलते रहेंगे वो नॉट आउट था, नॉट आउट से कुछ लक जो है ना बहादुरों का साथ देती है, बात खत्म है, हम डरपोक थे इसलिए हारे हैं, वो आप बहाने कर लो सौ और फलाना हो जाता ढिकाना हो जाता है ये मैच। तो दोस्तों जिस तरह से आपने देखा कि कैसे शाहिद अफरीदी ने कहा कि ये हमारे घर पे आकर हमारे लड़के यहाँ पर पले बड़े हैं लेकिन हमको पीट के और हमको मार कर चले जा रहे हैं, तो ऐसा ही होने वाला है अगर आप अपने ही घर पे अपने ही अप्रोच नहीं बदलेंगे, मतलब वही अप्रोच जैसे आप बाहर जाकर खेलते हैं वही अपने घर पे भी वही अप्रोच अपनाएंगे। और बाबर आजम तो कोई कई मतलब कभी भी नहीं लग रहा है क्योंकि वो एक कप्तान होने के लायक भी है, टेस्ट टीम का तो बिल्कुल नहीं, वो T20 और 2 ODI तो चल जाएगा, वो मतलब वो उसमें कुछ ना कुछ कर देता है जीत जाता है, लेकिन टेस्ट की कप्तानी इसकी लायक नहीं है क्योंकि ना उसको फील्डिंग सजानी आती है ना अपनी बॉलिंग मतलब बॉलर को मतलब रोटेशन उसको अच्छा आता है और ना उसको अच्छे प्लेयर को टीम में लाना मतलब वो अच्छा ही है। अगर देखा जाए तो रिजवान जो बार बार फेल हो रहा है उसके उसके मतलब उसके रिप्लेसमेंट में सरफराज अहमद को खिलाना चाहिए लेकिन वो सरफराज को नहीं खिला रहा है क्योंकि जानता है एक बार सरफराज आ गया तो अच्छा खेल गया तो रिजवान का पत्ता कट जाएगा। ये सिर्फ अपने के जो दोस्त हैं उनको बचा रहा है, जो रोटी गैंग बोलते हैं पाकिस्तान में फेमस है उनको ही बचा रहा है, जैसे मोहम्मद नवाज उसने 40 क्या कर दिया उसको जाके झप्पी लगा दिया, अरे भाई साउथ शकील इतना लड़ा उसके लिए तो कुछ नहीं बोला तूने, तो ऐसे ही और बड़े बड़े बातें करता है कि हम जो करेंगे वो करेंगे हमको कोई कुछ नहीं बोले और जो कुछ बोलेगा हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और रमेश राधा तो बार बार उसका क्या कहना है, उसको कुछ भी बोलो जब पाकिस्तान हारता है वो इंडिया के बारे में बोल देता है और उसका क्या है। तो इस तरह से पाकिस्तान मीडिया जैसे धुलाई किए वो अच्छे तरीके से किए और ऐसा करना चाहिए क्योंकि अगर आपकी टीम इतनी बड़ी बड़ी बातें करे और जैसे फील्ड में आ जो फुस हो जाए तो इससे आपको क्या करना चाहिए, मतलब अपनी टीम हो या ना हो, लेकिन
आपको कोई डिफेंसिव अप्रोच ऐसे अपनाना नहीं चाहिए, अपने घर पे ही हार के, मतलब दो दो मैच आप लगातार हार गए हैं इंग्लैंड से, और कराची भी बिल्कुल हारने वाले हैं, और क्या हो सकता है इनका। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।